दोस्तों हमारे चैनल घरेलू नुस्खे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों खून में गंदगी होने के कारण कई बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही इससे किडनी को भी काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे में खून को साफ करना चाहते हैं तो इन आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं खून साफ करने के घरेलू उपाय के बारे में। सौंफ। सौंफ खून को साफ करने में मदद करती हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व ब्लड को डिटॉक्सिफाई कर गंदगी को बाहर निकालते हैं। इसके लिए खाने के 10 मिनट बाद 2 चम्मच सौंफ में चुटकी भर मिश्री मिलाकर खाएं। गुनगुना पानी पिएं। खून को साफ करने के लिए गुनगुने पानी में नींबू और शहद को मिलाकर पिएं। इसका सेवन करने से डाइजेशन सिस्टम भी बेहतर होता है। लहसुन अदरक और प्याज खाएं। कच्चा लहसुन अदरक और प्याज खाने से खून को साफ करने में मदद मिलती है। इसका सेवन कई रोग से लड़ने में भी मदद करता है। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस का अच्छा सोर्स माना जाता है। इसका सेवन खून को साफ करता है, साथ ही इसे खाने से डाइजेशन सिस्टम भी मजबूत होता है। हल्दी। हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो धमनियों की सूजन कम करते हैं, साथ ही इसका सेवन करने से खून भी साफ होता है। खीरा। खून को साफ करने के लिए खीरा खाएं। खीरे में पानी, पोटेशियम और विटामिन सी होता है जो खून को साफ करता है। खून को साफ करने के लिए इन सभी चीज़ों का सेवन करें। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।